कार्तिकीय जा रहे हैं, जहां जहां जाते हैं वहां चूहे के पदचिन्ह भी मिलते हैं। अस्तु, अगर माता पिता की परिक्रमा करने से माता पिता के चरणों में समर्पित भाव रखने से गणेश जी सभी देवताओं में पूजित हो जाते हैं, तो मेरे भाई बहन अगर माता पिता की सेवा आप करोगे तो आप भवमुक्त हो जाओगे, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। रामचरितमानस की भी बात करें, श्रीमद् भागवत की बात करें, गीता की बात करें, तो सब जगह यही बात बताई गई है, मातृ पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये भारतीय संस्कृति है। सनातन के 5 स्तंभ हैं, सनातन के 5 स्तंभ हैं, गौ, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता। जो इनके शरणों में जीता है उसका संपूर्ण जीवन आनंद में बीतता है। गौ, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता। और अगर हम इनसे विमुख हो जाएं तो आपके सम्मुख कोई आएगा नहीं। अस्तु, जब तक आपके अंदर की गंदगी नहीं निकलेगी तब तक आपकी बंदगी भी किसी काम नहीं आएगी, फिर बंधन और चंदन दोनों किसी काम का नहीं होता है। आए एक बार देवाधिदेव के सुपुत्र श्रीमन महंत गणपति जी का चंद पंक्तियों में स्तुति। मुदा करात मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कला धरावतं सकं विनाशिते वेदेतकं। गजानना गजानना
पूर्वनन्दनम् पुरारि पूर्वनन्दनम् सुरारि गवचर्वणम् मुदा करात् मोदकम् तदा विमुक्ति साधकम् गजानन 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 श्रवण करने से उतना लाभ नहीं है जितना आचरण में उतारने से। एक बार की बात है, भगवान राम, जानकी और लखन आसन पे विराजित हैं। मां जानकी ने कहा, मेरे चरण बड़े सुंदर हैं। राम जी कहने लगे, मेरे चरण बड़े सुंदर हैं। अब प्रश्न भी लक्ष्मण जी से कहा गया कि बताओ किसके चरण सुंदर हैं। फैसला लक्ष्मण पे। बड़ी विषम परिस्थिति आती है ना। माता श्री की बात है, माता श्री की अगर प्रशंसा करते हैं तो भ्राता श्री दुखी हो जाएंगे, और अगर भ्राता श्री की बात करते हैं तो माता श्री दुखी हो जाएंगे। अब ऐसी हालत में तो भाई चिंतन की आवश्यकता है। मौनम सर्वत्र साधनम। एक ही समय पे आपके द्वार पे दो पार्टी के नेता मतदान मांगने आ जाएं तो कैसा होगा। कहीं कास्टरिज्म है, कहीं कुछ है, तो चिंतन की व्यवस्था है कि एक शब्द से संतुष्ट करना। और वेदांत कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। लक्ष्मण जी मौन रहे, दो पल मौन रहने के बाद कहने लगे चुपके से मां जानकी की पैरों की ओर इशारा किया। जानकी आनंदित हो उठी, कुछ पल के बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि मां आपके चरण सुंदर नहीं है। जानकी ने कहा वाह, एक बार तो आप कहते हो मेरे चरण सुंदर हैं, अभी कुछ ही पलों में दल बदल दिया, अब आप कह रहे हो मेरे चरण सुंदर नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने बड़ी ही प्रिय भाषा में कहा मां
आपके चरण सुंदर हैं अपितु, लेकिन आपके चरणों की अपेक्षा मेरे श्री राम के चरण सुंदर हैं, क्योंकि अगर राम ही नहीं होते तो आपके चरण इस घर में कदापि नहीं आते। क्योंकि भारत में यति और सती पे सब कुछ स्वरूप है, पूरी सृष्टि रूप और स्वरूप पे टिकी है। कुछ बालक कहते महाराज भगवान का क्या स्वरूप है ना, ये दरिया शब्द है ना, ये वृक्ष शब्द है ना, तो शब्द और स्वरूप पे सब टिका है, और अगर ये दोनों खत्म हो जाए तो सृष्टि भी नहीं है, पर निर्भर है संबोधन कैसे करना। अब राम जी से कहते हैं महाराज आपका भी चरण सुंदर नहीं है। मामला थोड़ा अटपटा सा हो गया। मैं कहा अच्छा, पर मुझ में क्या कमी है, चित्त शुद्धि से, या चित्त शुद्धि नहीं हो तब तक आप हरि चिंतन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं हो चरित्र नहीं, चरित्र नहीं अनुराग नहीं, अनुराग नहीं वैराग्य नहीं, वैराग्य नहीं भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तो मुक्ति नहीं। यहां तक तो शोभित है, सती के बिना शिव, प्रकृति के बिना पुरुष, राधा के बिना श्याम, और स्वर के बिना ताल, सब अधूरे हैं। पर लक्ष्मण मुझ में क्या कमी है, कहने लगे प्रभु आपका चरण नहीं सुंदर है, सुंदर है आपका आचरण, क्योंकि जब तक आचरण सुंदर नहीं होगा चरण की उपासना पूजा कभी नहीं हो सकती। फिर चरण किसके सुंदर हैं, मां कौशल्या के, जिन्होंने राम को जन्म दिया, नहीं मेरे चरण सुंदर नहीं है। फिर किसके सुंदर हैं, दशरथ के, बोले नहीं उनके भी नहीं सुंदर हैं। फिर किसके चरण सुंदर हैं, हर्षित भाव से दशरथ जी ने कह दिया चरण सुंदर हैं तो गुरु वशिष्ठ के, जिनके चरण रज की उपासना करने के बाद मैं एक नहीं चार चार पुत्रों को पा लिया, अस्तु दुनिया में अगर कोई सुंदर है तो गुरु का चरण है। इसलिए अगर गुरु नहीं, गु अंधकार, रू प्रकाश, अंधकार से प्रकाश का जो मार्ग दर्शन कराए उसे हम गुरु कहते हैं, लेकिन सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु तो 24 होते हैं, गुरु मिले तो एक आए। एक बार गुरुदेव के चरणों में वंदन हम भी करते हैं और आप सारे लोग गाएंगे, आनंदित होकर गाएंगे, हर्षित होके गाएंगे, प्रफुल्लित होके गाएंगे। गुरु की भक्ति में आए तो रोम रोम हर्षित हो उठे, उल्लासित हो सके, एक पल के लिए ही सही इस दुनिया के भोबंध से दूर हो जाए। सदगुरु के सानिध्य में आना है तो आना कैसे, साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि गुरु मिलने को जाए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो लोग गाएंगे। सत्संग में आए तो इस शरीर से एक साथ तीन काम करिए। पहला, नेत्रों से हरि दर्शन की अभिलाषा,
जिहवा से हरि नाम का उच्चारण और इन हाथों से मधुर करतल, ते तमारी ज्ञान इंद्रिया ने कर्म इंद्रिया एकत्र थाय तो पछी हरिभजन में मन लागे। आपलो गुजरात में कहे ना रामजी ना नाम नो माला छे ढोक में, हरिभजन में एनु माथो दुखाय छे, अने खोटू बोलो मां शू थाय छे तमने खबर होय, मारे कहेवानुं ज नहीं। चंद पल गुरु जी के चरणों में सानिध्य अर्पित करते हैं। हमेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरु जब से
तेरे किस्मत में ऐ मानो सदा खोना ही खोना है। भटकता जिस दहा में तू वहां खोना ही खोना है। पाना अगर है तो आ